करके जो भजन करते थे, जब वो पत्थर पर फेंक देते थे, वो क्या करते थे, हिरण उसको चाट चाट कर खाता था। बोले क्यों? बोले एक में तो ठाकुर को भोग लेगा, फिर उसको बाद में फिर वो चीज मेरे संतों लोगों ने पाए नहीं और उसमें बड़ा ताकत है। देखो भगवान की प्रसाद, जब भगवान कोई चीज ग्रहण कर प्रसाद होता है, लेकिन वही प्रसाद जब संत लोग पाते हैं वो प्रसाद नहीं, गति हो जाता है, महा महा प्रसाद हो जाता है। अगर उसको खाओ ना, उसमें और ज्यादा ताकत है। इसलिए उन्होंने चाट चाट कर संतों का प्रसाद को पाया करते थे। लेकिन जब मृत्यु का समय होगी, फिर उन्होंने क्या किया, कंटू की नदी का अंदर प्रवेश किया, गले तक पानी में प्रवेश करते हुए ठाकुर जी का स्मरण करते 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 उन्होंने प्राण त्याग किया और दूसरे जीवन में फिर श्री जड़ भरत बन के क्या है। अभी तो तीन जन्मों की बात किया, कितना जन्मों की, तीन जन्मों की बात, आपको तो पहला जन्म की बात नहीं याद है, नहीं, फिर उनको तीन जन्म की बात की भी याद है। कारण जो भगवान की भक्ति कहते हैं ना, भजन कहते हो, कभी इनका स्मरण कभी खत्म नहीं होता है, अगली जीवन में भी तुम्हारी याद रहेगी। अगर भजन करोगे, अगर भक्ति करोगे, उसको याद है पहले जन्म में मैं पृथ्वी का राजत्व को स्थापित किया था, पृथ्वी का मैं राजा था, लेकिन एक हिरणों के प्रति आसक्ति हो गई और बढ़ते 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 मैंने हिरण चिंता किया ना, अगले जीवन में हिरण बना। इसलिए देखो ध्यान दो, इसलिए घर में कुत्ते नहीं पालने चाहिए, घर में क्या नहीं पालनी चाहिए, नहीं। फिर बढ़ते 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 कुत्ते चिंता करोगे तो अगले जीवन में फिर कुत्ते होकर जन्म लेना पड़ेगा। कृष्ण खुद कहते हैं मरने जामती साधती, मरते समय जैसे चिंतन करते करते मरो वीर, ऐसे ही जन्म होगा। इसलिए भरत महाराज इसका प्रमाण है, वो हिरण चिंता करते करते उन्होंने हिरण जन्म दिए। आज एक संत कह रहे थे भैया कि कुत्ता तो एकदम जिस घर में कुत्ते रहते हैं ना, उसी घर में कोई देवा घर में नहीं आता, कोई खाना का खाने का चीज का कुत्ता देख लिया और ठाकुर जी का सेवा में नहीं लगेगा, और उसी घर में कोई शुभ कर्म हो ही नहीं सकते हैं, उसी घर में भूत पिशाच का निवास होता है, भूत पिशाच की निवास होता है। इसलिए इन्होंने तीन जन्म की बात याद है, लेकिन अभी तक भरत बन करके आए, लेकिन अभी जान बुझ करके ना वो बात नहीं करते। क्यों? तीन जन्मों की बात होती याद है, बोले हिरण तो बड़े आसक्ति होकर के मैंने शरीर छोड़ा, हिरण बन गया। अगर इसी जीवन में जाता हो नहार बनता ना, फिर पिताजी क्या करेंगे, फिर शादी कर देंगे, फिर शादी करेंगे तो फिर संसार के चक्र में बच जाऊंगा। इसलिए जान बुझ कर उन्होंने लिखा पढ़ाई एकदम नहीं किया, एकदम लिखा पढ़ा। पिता कोशिश कर रहे थे, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, भैया किसी तरह से थोड़ी बहुत ज्ञान हो जाए, कम से कम पूजा पाठ करके तब पेट पाल लेगा। जैसे आचमन पात्र होता है ना, बोले तीर्थ को आवाज पर आचमन करो, आचमन क्या पूरा पूरा लोटा की लोटा पानी पी लेना है। क्यों? वो जान बुझ करके कहते संसार में ज्यादा हो ना होना बड़ा गड़बड़ी है, पहले संसार की बंधन तुम्हें ढेर संसार की बंधन मिलेगा। ऐसे करते करते जब पिताजी चले गए, हार गए, घर में भाभियां आई, भाभियां क्या करती हैं, घर का जितने बच्चा कुचा सड़ा गला चीज है ना वही खिलाते, लेकिन उसको खा कर क्यों, मन से शांति है ना, मन से प्रभु की चरण की चिंतन करते हैं। और सारे भाइयों में ना सबसे मोटे छोटे लंबे जो, क्यों, उसका जो आत्मा की जो आहार है वो आत्मा की आहार को ग्रहण करता है। देखो इधर मेरे तरफ से, जैसे की चीज को समझो, जैसे कि पिंजरा है, वो पिंजरा में भी तोता रहता है, लेकिन आप ये तोते को मत खिलाओ, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करो, उसको पेंटिंग करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बोलो, मर जाएगा। उसी तरह हम क्या करते हैं कि शरीर एक पिंजरा है, लेकिन इसकी अंदर में भी तोता रहता है। कौन है? ठाकुर जी, ये परमात्मा रहते हैं, ये जीवात्मा रहते हैं। अगर ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजवाओगे, बढ़िया बढ़िया साबुन से साफ करोगे, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनोगे, लेकिन इसका अंदर में जो तोता है ना, अगर उसको खाना नहीं दोगे, फिर तोता क्या होगा, मर जाएगा।
जब ये शरीर को तो बढ़िया बढ़िया रोटी चावल सब्जी खिला देते हो, लेकिन अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ उसका आहार क्या है? उसका आहार एक चीज है, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम है, भगवान की नाम है। ये चीज अगर उसको दो बिना वही तभी ये प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये चीज को समझो। इसमें तीन शब्द आया है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अतः मतलब क्या है? मतलब संसार में हम क्या चाहते हैं? संसार में हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति सुख चाहते हैं, एक तो चाहते हैं ना। आप लोग बताओ दुख को कौन निमंत्रण देता है? कोई निमंत्रण देते हो, लेकिन बगैर निमंत्रण के आता कि नहीं आता है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते भैया ज्यादा सुख को पीछे मत पड़ा करो, जैसे बगैर निमंत्रण के दुख जैसे भुला बिना भुलाए आती है। यहाँ पर जो लिख गया ना वो लिख गया, वो नहीं चाहने पर भी सुख आएगा। सुख का पीछे मत भागो, बगैर भुलाए सुख आएगा। लेकिन किसकी पीछे भागो? भगवान की भक्ति को पीछे भागो, भगवान की भजन को पीछे भागो। अगर प्रभु का भजन करोगे ना अपने आप जीवन में सारे सुख शांति आ जाए, अपने आप आ जाएगी। मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा मतलब होता है हम जीवन में सुखी सुख जाते हैं, लेकिन फिर भैया दुख क्यों आता है? अब इतना प्रैक्टिकल रूप में सामने एक समस्या, हम सोचते हैं इसी तरह से एक समस्या हल हो जाए ना शांति मिलेगी, लेकिन आप देखना एक समस्या तो तुम्हारी दूर हुई नहीं, सामने दो समस्या रह गए। फिर सोचते हैं किसी तरह से दो समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी, देखना फिर तीन समस्या सामने खड़ी। तो इसलिए दर्द 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 दर में हम फंसते जाते हैं। इसलिए कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रश्न है अरे सुख चाहते पर सुख क्यों नहीं मिलता? सुख क्यों नहीं मिलता? बोले इसका कारण है जहाँ सुख तुम्हें ढूंढनी चाहिए ना तुम वहां सुख नहीं ढूंढ रहे हो, तुम गलत जगह पर सुख ढूंढते हो। जैसे तुम्हारी कोई चीज यहाँ पर खो गई, अगर वो रोड में जाकर के ढूंढो आप बताओ आपको मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों? खोया एक जगह पर और तुम ढूंढ रहे हो दूसरे जगह पर। इसलिए जहां हमारी गलती ना वो चीज को पकड़ो। बोले भैया गलती क्या है? बोले गलती एक चीज है, हम भगवान को भूल गए, ठाकुर जी की भजन भूल गए, ठाकुर जी की हमने भक्ति भूल गए हैं। इसलिए जितने तरह का दुख कष्ट है, जितने तरह का दुख कष्ट संसार, दुख का घर ही संसार है। अगर सुख पाना चाहते हो क्या करो? बोले ब्रह्म जिज्ञासा, ठाकुर की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, वहीं पर तुम्हें असली शांति सुख मिलेगा। इसलिए श्री भरत महाराज जी वो जान जान बूझ कर उन्होंने ज्ञानी नहीं बने। जब पिताजी चले गए इतने में भाभी लोग सड़ा गला चीख देते थे, वही खा खा करके एकदम मोटे चौड़े लंबे चौड़े। अभी भाई लोगों ने देखा है दिन भर घर में बैठा रहता खाता रहता है। बोले एक काम करो जाओ इनका फावड़ा दे दो। बोले खेत में माटी का, उसने क्या किया माटी क्या करेगा, फावड़ा से एक तक टीला बना दिया, एक गड्ढा बना दिया। थोड़ी देर बाद में भाई लोगों ने देखा कि गड्ढा है कि टीला। बोले ये क्या किया तुम? बोले माटी काटने के लिए, माटी तो गड्ढा में ही एक टीला एक गड्ढा बना दिया। फिर बोले एक काम करो यहाँ पर बैठ जाओ, बैठते बैठते कोई चिड़िया बकरी गैया आकर खेती को खराब नहीं कर दे, कम से कम यहाँ बैठ जाओ और टीढ़ी बजाते रहना। बस उसने टीढ़ी बजाते रहा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भाई भर भर पे। बोले सब राम जी का और चिड़िया भी राम सब ठाकुर जी का है, हैं? क्योंकि भरत कौन है तभी ये महाभागवत है। बोले महाभागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्व देश का प्रसिद्ध भगवत भावात्मा, जो महाभागवत है वो शरीर नहीं देखते हैं, शरीर के अंदर में जो परमात्मा रूप में ठाकुर जी बैठे हुए हैं वो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वो चिड़िया बकरी गैया में भी वही दर्शन करते हैं। तो उनको बताएगा कि बोल भैया राम जी की चिड़िया राम जी का थे खा रहे चिड़िया भाई भर भर बड़े। भाई लोगों ने आकर के देखा जो छह महीना का परिश्रम है ना उसने एक घंटा भी सह सकता,
सब बकरी गैया सब खाने खत्म कर दी। भैया तो उसको मार मार के भगा दिया। बोले भैया बहुत बढ़िया हो गया, अभी तो खूब भजन कर सकता हूँ, खूब भक्ति कर सकता हूँ। अभी जा रहे थे तो एक समय एक रघुवन राजा हैं, रघुवन राजा जा रहे थे कपिल मुनि आश्रम में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पालकी में बैठ करके जा रहे थे, इतने में एक पालकी उसमें कहा एक तबीयत खराब हो गया। उसने कहा भैया देश के मैं राजा हूँ, जो मिले उसको पकड़ करके ले आओ। देखा एक लंबे चौड़े एकदम हैं बड़े सुंदर, बोले बढ़िया सुंदर कहा उसको कंधे पर लगा दिया। जब कंधे पर लगाया लेकिन हर जीवन में ठाकुर का दर्शन करता है, चीटियों में भी ठाकुर का दर्शन करता है, लेकिन जब चलने लगा सामने चीटी आ गई। अब चीटी को अगर प्यार कैसे रखे, उसको अंदर भी परमात्मा बैठे। उसने उसको बचाने के लिए छलांग लगाया तो और जब पालकी इतनी जोर से छोटे लगे, इतने में राजा का सर क्रांत करने लगे। राजा कहे कौन है इसे गड़बड़ी कर रहा है। दूसरे कहार वाले बोले महाराज हम नहीं कर रहे हैं, ये जो नए व्यक्ति को बुला दिया ना, पता नहीं कि बीच बीच में छलांग क्यों लगाता है, उनको तो पता नहीं क्यों छलांग लगाता है। जब उसने इसे दो तीन बार की, राजा को इतना क्रोध आया, बोले तू मेरे को क्या समझ रखे हो हैं? इतने मोटे सोटे तू थोड़ी ढोने का लायक, तू तो बैठने का लायक हो, ऐसे दंड दुगना चंद जैसे दंड देते हैं, हड्डी बसना एक कर दूंगा। अभी भरत महाराज सोच रहे हैं, बोले ये कौन है, बोले मेरे दर्शन है, उनकी दर्शन की परंपरा में वो आया है, और इनको मैंने कंधे पर उठाया, आज जिसको कंधे पर उठाया मैंने उसको फेंक कैसे सकता हूँ। अभी तक उन्होंने कभी मुंह नहीं खोले थे, लेकिन जीवन में पहला बार उन्होंने ये मुंह खोले, ऐसे ज्ञान की उन्होंने बात बताई जिसको सुन कर उनको होश उड़ गए। बोले महाराज आप कह रहे हो दंड दोगे, आप किसको दंड दोगे, कि शरीर को दंड दोगे ना, लेकिन ये शरीर तो बड़ा हुआ है, ये शरीर तो अलग बड़ा, इसको क्या दंड दोगे, हम तो ये शरीर है ही नहीं, हम कौन है। तद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कहते हम कौन है, हम भगवान की अंश है, ममई पांच दिवलों के जीव भूत सनातन, जो जीव है सब भगवान के बच्चे हम है, ठाकुर जी की संतान है, नहीं नम छिन्नति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावकम्। ये आत्मा को पानी से भिगो नहीं सकते हो, ये अस्त्र से काटा नहीं जाती, अग्नि से जलती नहीं, ये आत्मा तो नित्य शाश्वत न जायते न मृयते, आज जो नित्य शाश्वत है ये आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा थोड़ी कोई दंड दे सकते हैं। जब उन्होंने इस बात को बोले, बोले भैया ये क्या, एक साधारण कहार एक धोने वाले पालकी को ये क्या बोल रहा है, इतने दिव्य ज्ञान की बात बोल रहा है, मैं तो यही तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहा था, हाँ कपिल मुनि आश्रम में, ये तो सारे यही तत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे देखा उसको कंधे के ऊपर चढ़ने को चिन्ह देखा, बोले अरे तो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण को लगा दिया, झट उन्होंने उतर करके जन्म में गिर पड़े, माफी मांगे, फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की उन्होंने बात बताई, जिसको सुन करके रघुवर महाराज की सारे होश उड़ गई, सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति हुई, और लास्ट में एक अच्छी बात बताई, बोले देखो आप लोगों को भी सुनना चाहिए, बोले जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन कहते द्रौपदी न तपस्या न जाति न विजया न निर्वाप न त्रिनतवा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत्पदो रजम। लास्ट में मैंने ये उपदेश दिया, बोले देखो द्रौपदी न तपस्या, कहते भगवान को तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते, न जाति, कोई उच्च कुल में जन्म ग्रहण कर लिया क्या प्रभु मिल जाएंगे, बोले नहीं, न इच्छया बोले खूब पूजा पाठ करता क्या प्रभु मिलेंगे, बोले नहीं, बोले विधवा अपना गृह तुमने घर द्वार छोड़कर साधु बन गए क्या प्रभु मिल जाएंगे, बोले नहीं, बोले नैव छंदसा दिन रात वेद पढ़ते हो क्या प्रभु मिलेंगे, बोले नहीं, बोले नैव जलाग्नि जल और अग्नि को दिन रात पूजा करते हो क्या प्रभु मिलेंगे, बोले नहीं,
अब तो सारी चीज पर नहीं 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 पर मिलेगा कैसे? बोले हाँ, मिलने का एक उपाय है, जब तक कोई भक्ति करने वाले संत हो, सचमुच से जो शुद्ध रूप में, निष्कपट रूप में जो संत भगवान की भक्ति करते हैं, जब तक आप उनकी चरण में नहीं जाओगे, उनकी चरण में शरणागत नहीं होगे ना भैया, जीवन में जो कुछ कर लो जीव का कल्याण होने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, शुद्ध संतों की शरण में जा करके भगवान की भजन करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु गुरु भवन की तरह न कोई, जो बीच शंकर समोर, बीच मतलब ब्रह्मा शंकर जी के कोई बराबर हो जाए, लेकिन शुद्ध साधु की शरण में नहीं जाए वो कभी भी भव सागर से पार नहीं हो सकता है। बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई और बता करके उन्होंने उनको ऊपर आशीर्वाद की और रघुवर महाराज के सारे अज्ञान दूर होकर के भगवान की शुद्ध भक्ति में रुचि हुई और उनका जीवन भी कल्याण हो गया। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बिन संत सांग विवेक न होई, राम कृपा बिन संत धन सोई, तभी कृष्ण उच्चारण होता है। लेकिन राम का नाम बहुत सीधा सा है, इसलिए सभी लोग ताली बजाकर राम का नाम लेंगे। राम सिया राम, सिया राम पारस पर से खुदा से
सड़क सुधरने के बाद ये व्यक्ति सत्संग को पाते हैं। सड़क क्या क्या है? सड़क नीपू काम क्रोध लोभ मोह माया मत्तर, ये छोड़ने के बाद फिर सत्संग को प्राप्त होता है। और फिर कैसे सत्संग प्राप्त होने के बाद कैसा होता है? कहते हैं दूसरी लाइन में कि पारस परस खुदात सुहाई, यानी कि परस्पर जब लोहे को स्पर्श करता है लोहे तो क्या होता है? सोना बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? पारस्पर को जब लोहे में स्पर्श करो तो क्या बनता है? सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति सत्संग करता है तो वो एक प्रकार का सोना बन जाता है। सत सुधरी सत संगत पानी यहाँ नहीं है। मन कहाँ पे है? घर पे पड़ा है। खाली शरीर शरीर यहाँ है। वो सोच रही है कि कहीं घर में बहु मलाई तो उठा के ना करेंगी, ताली किया हो जाए। मन उधर पड़ा है, मन कंट्रोल नहीं है। देखिए लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद भी मन कंट्रोल नहीं होता है। जब मंदिर में जाते हैं चप्पल को ऐसी जगह पे रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं कि भगवान जी भी दिखे और चप्पल भी दिखे। कैसे? देखिए फिर मंदिर में जाकर के स्तुति करता है। कैसे स्तुति करता है? भगवान जी को देख करके कहता है कि तमेव माता, फिर चप्पल किया करके पिता तमेव, यानी कि माता जी कौन हुई है? भगवान जी तभी को माता, और पिता कौन हुए? चप्पल। यानी कि मन कंट्रोल नहीं है कि हमारा 1500 रुपया वाला चप्पल से कोई मान लेगा। तो इस प्रकार मन कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के टूटे पड़े, अब निरथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, गुरु की माले है। अरे आज तो रसगुल्ले की कथा है, वृंदावन जाना जरूरी है। अच्छा वृंदावन में कौन है? बोले भाग्य बिहारी। कौन है? हाँ बोले भाग्य बिहारी की जय जय श्री राम। तो आइए सालों सालों एक बार खड़े हो जाए, वृंदावन चलना है। अरे काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, अरे काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, लूट लिया 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 दिल लूट लिया, काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, अरे
Yeah.
बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 महाराज जिस समय वो भ्रमण कर रहे थे एक आश्चर्य घटना देखा। एक बच्चे लोग तो बच्चों बताओ यहाँ से, एक बच्चों बताओ यहाँ से, कोई यहाँ पे है नहीं, बच्चों को सब बाहर भेज दो, ये बच्चों को सब बाहर भेज दो। हरे कृष्णा अध्ययन देकर सुना। श्री परिवृत महाराज ने एक आश्चर्य घटना देखा। उन्होंने क्या देखा? देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है, देखा एक बैल का तीन पैर नहीं वो एक पैर में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो एक पैर को डंडे में मार मार करके तोड़ने को कोशिश कर रहा था, योगा से मिली। और जो बैल बड़े दुखी होकर के रिश्ता पुत्र को विसर्जन करते हुए रो रहा था। परिचित महाराज ने इसको देख करके बड़ा उनको कष्ट हुआ, उनने म्यान से तलवार निकाल दिया और झपट पड़े। बोले ये पृथ्वी कौन है? नहीं ये बोले गैया कौन है रो रही है? बोले गैया बोले मैं पृथ्वी हूँ। ध्यान देकर सुनो, कोई बात मत करो, कुछ तो माताओं का स्वभाव है, घर में भी बात यहाँ भी आकर के बात बंद नहीं करते। हरे कृष्णा। इसलिए बोले ये गैया कौन? बोले ये पृथ्वी। बोले क्यों रो रहे हो? बोले कृष्णा चले गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग का लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, अब ये पाप कर्म को कैसे मैं सहन करूँ इसलिए रो रहा हूँ। बोले ये बैल कौन है? बोले ये धर्म। बोले इसका तीन पैर कहाँ गया? बोले जो विचार है सत्य त्रेत्य द्वापर और कलयुग। अभी सत्य त्रेत्य द्वापर तीन युग बीत चुका, अभी धर्म का तीन चरण समाप्त हो गए, अभी कली केवल एक पैर में खड़ा हुआ है। बोले ये कौन है? बोले ये स्वयं कली 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 साक्षात है। बोले ये क्या कर रहा है? बोले कली युग में ये कोई धर्म कर्म को रहने देना नहीं चाहता है, सोचता है सारे धर्म कर्म खत्म हो जाए और लोग पाप पाप कर्म करना शुरू कर दिए और सर्वत्र मेरी राज्यत्व हो जाए। परिचित महाराज बोले देखो जब तक मैं रहूंगा ना तेरा कोई भी यहाँ स्थान नहीं, निकल जा यहाँ से, तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले प्रभु कहाँ जाऊँ? अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में आपका ही राज्यत्व है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पर ही आपको धनुष धारण करते हुए वहीं पर खड़ा हुआ देखता हूँ। इसलिए आप जब सभी को स्थान दिया मेरे को भी स्थान दो। अभी परिचित महाराज सोच रहे हैं यद्यपि ये कलयुग में दोष ही दोष है, कलयुग दोष ही है आज, दोष ही दोष है कलयुग में, कोई गुण है नहीं, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्ण मुक्तम बद परम। अगर कलयुग में थोड़ी सी कोई ठाकुर का नाम जप कर लेना इससे ठीक उद्धार हो जाए। केवल कलयुग में यही गुण और सब दोष है, और ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग। बोले क्यों? बल्कि ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करेंगे। जैसे दूसरे दूसरे कलयुग में पाप कर्म होता था, ये कलयुग में इतना पाप कर्म नहीं होगा, पाप कर्म घटेगी। बल्कि क्यों? बल्कि महाप्रभु का भक्तों को जगत में जब प्रचार करेंगे हरि कीर्तन करेंगे, जो पाप अपना राजत्व को विस्तार नहीं कर पाएगा, धीरे 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 कलयुग में क्या होगा, पाप घटते घटते आएगा। जैसे आप लोग देखो कितने सारे तिलक लगाए, गले में कंठी है, हैं ये गले में कंठी और तिलक लगाई, साधारण प्रश्न नहीं, ये सब वैष्णव का चिन्ह है। इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। बोले भैया तू रह, कोई बात नहीं तू रह जाओ, अभी ध्यान देकर देखो
कलियुग को उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया। अगर कलियुग में कोई चार नियम का पालन करे और थोड़ी सी धातु का नाम जप करे, बस बड़ा कार्य करेगा। अभी ध्यान देकर देखो ये कलि कहाँ कहाँ पर बैठा, चार जगह कहाँ पर, ध्यान लगा कर सुनो। कल मैं एक एक को पूछूंगा, देखूंगा कौन बोल पाता है, जो नहीं बोल पाएगा ना बीच में खड़े कर दूंगा। इसे ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर है चुहा नहीं कल की चाहिए। ये धर्म का पहला स्थान सत्य, जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता। इसलिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म स्वरूप है, अपना जीवन में शिक्षा दिया, देखो मैं साक्षात धर्म हूँ लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सर्वनाश हुए, पहले राज्य मिल गए। उसके बाद में भाइयों को भी दाव पर लगाया, भाई भी गए। उसके बाद में उन्होंने द्रौपदी को भी दाव में लगाया, द्रौपदी भी गई। फिर भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हर में देखना पड़ा, कितने गंदी काम है, अपना पत्नी को दाव पर लगा करती। उसको बाद में इतना नहीं, 12 साल तक जंगल में दर दर भट गई। फिर 1 साल विराट का राज्य में नौकरी करना पड़ा। धर्मराज कौन है, चक्रवर्ती राजा थे, केवल भारत नहीं ये संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य करते थे। ये युधिष्ठिर महाराज क्या काम करते थे, बोले कंक का काम करते थे, जुआ खेलते थे विराट राजा के साथ। सर्वश्रेष्ठ दानी था अर्जुन, बृहदलाल नृत्य सिखाया करता था, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम रोषी बनाता था, और नकुल सहदेव तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ घोला घोड़ा साला को संभालते थे। ध्यान देकर सुनो, यहाँ शिक्षा देते हैं अगर कोई जुआ खेलेगा तो वो क्यों शिक्षा दिया, धर्मराज ने क्यों किया, दुनिया को शिक्षा दिया खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगा। अभी आईपीएल आ रहा था, क्रिकेट खेल, कितने लोग दरिद्र हो गए, कितने लोग दरिद्र हो गए उसमें जुआ लगा करके, शायद एक दाव लगाएंगे तो फेल आ जाएगा। जो जुआ खेलता है ना वो बैठ नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता है, जब तक सब कुछ खो नहीं देगा ना तब वो उठ भी नहीं सकता, तब तक वो बैठ भी नहीं सकता है। कितने लोग उसमें दरिद्र हो गए, कांगाल हो गए। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, देखो हमने कितने पैसा कमा करके बच्चे को दिया, ये बड़ी भारी बात नहीं, बच्चे को हमने कितने संस्कार दिया, ये बड़ी भारी बात, ये बड़ी भारी बात। तुमने करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके बच्चे को दिया, एक मिनट में करोड़ों अरब खरब रुपया को खत्म कर देगा, क्यों, ये जुआ में लगा करके सारे खत्म कर देगा। इसलिए किसी व्यक्ति को बोले गुजरा हरिनाम करो भजन करो, समय कहाँ है, बच्चे के लिए कुछ पैसा कमा के रखना ना, बच्चे के लिए पैसा मत कमाओ। गुरु जी बोलते थे बच्चा होनहार होगा तो कमाएगा, जिसका बेटा जितने पैसा कमा कर गए उसका बेटा उतना नालायक, उतना जुआड़ी गंजड़ी और भंगड़ी। इसलिए बच्चे को संस्कारी बना करके जाओ, प्रभु का भजन में लगा करके जाओ, प्रभु की भजन में लगा करके जाओ, ये चीज को देखो। ये धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा है दुतक पानम। पानम का मतलब है किसी तरह का नस्ली वस्तु व्यवहार मत करो। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए। इसलिए संतों लोग कहते थे जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है बोलो, कितना लाभ है, 3 लाभ। क्या क्या? पहला लाभ है वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा लाभ है घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा लाभ उसको कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले इसका मतलब क्या है, पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा। कुछ दिन पहले एक माता जी 30 साल की माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आई, उसको 2 बेटे, मैंने देखा वो विधवा है, मैंने कहा पति कहाँ है, बोले मर गए। बोले मरे कैसे, बोले वो पीते थे। क्या करते थे, वो पीते थे, और लाज में देखा उसका किडनी खराब, हार खराब, सब खराब, कोई काम का नहीं, बस समाप्त। इसलिए मैं रसिया में प्रचार करने जाता हूँ, पर कुछ दिन बाद में जाऊँगा वहाँ, जब जाता हूँ ना इतना ज़्यादा ही लड़की लड़कियाँ आ रही, ज़्यादा लड़की नहीं ज़्यादा लड़कियाँ। मैंने कहा भैया इतना है लड़कियाँ कहाँ से आई है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े कहाँ हैं। बोले ये लोग
बचपन से पीना शुरू करते हैं और पीते 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 बीच में बास खत्म, इन्हीं की पुरुषता तो नष्ट हो जाती है, इसलिए बेटी ज्यादा जन्म ले रही है, बेटी ज्यादा जन्म ले रही है और सबके सब बीच में पीते पीते खत्म हो जाते हैं। इसलिए कभी विशेष करके विदेशी अमेरिका कभी ये रशिया को नपुंसक होकर बनाने के लिए बहुत कम पैसा में शराब देता है, क्यों, जो शराब पिया ना उसका जीवन ही गया, उसको जीवन मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए दूसरा लाभ दिया, चोरी नहीं होगा, मतलब चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो पी पा करके अगर कोई गहना बहना होगा पी पा करके तो खत्म कर देगा, चोरी कहाँ से। तीसरा लाभ क्या, कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रहेगा और कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर जाएंगे। हाँ देखो एक चीज समझो, इसलिए बच्चों को इधर सुना, बच्चों को ये गलत रास्ता में जाने मत दिया कर, बच्चों को गलत इस सब चीज से बच्चों को रोकना, पीने नहीं देना और गलत संगत से बच्चों को रोकने के लिए कोशिश करना और घर में किसी व्यक्ति को शराब पीने के लिए मत दिया, क्योंकि जो पिता जो करेगा बेटा तो वही सीखेगा ना। पहला गुरु कौन है, पहला गुरु कौन, माता और पिता। अगर पिता अगर स्वयं पिता है तो बच्चे को मना कर सकता है तुम पियो, नहीं बोल सकता है। इसलिए इस सब चीज से दूर रहनी चाहिए और बच्चों को दूर रखवानी चाहिए। इसलिए गुटका गुटका नहीं खानी चाहिए, ये गुटका का ये गुटका जिसने खोला था ना फैक्ट्री, वो स्वयं कैंसर में मर गया, जिसने गुटका पहले खोला वो तो कैंसर में मरा और सबको मरवा करके दुनिया में गया। आप बताओ गुटका का पहला खेल क्या बताओ तो, अरे जोर से बोलो गुटका का पहला खेल क्या है, ये गुटका नहीं क्या है, क्या है बोलो जोर से। हाँ इसलिए गुटका इसमें कैंसर का बीमारी होता है, उसकी कैंसर खून मरा और दुनिया को मरवा कर, इसलिए गंदी चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। किसी तरह का एक ही नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, भगवान की प्रेम की नशा, और कोई नशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ और एक चीज देखो, ध्यान देकर सुनो, ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। चाय कितने लोगों पीते हो, हाथ उठा सही सही बताओ, झूठ मत कहो। देखो अभी ये सब जो हरे कृष्ण, हाँ देखो अभी सुनो, ध्यान देकर सुनो, अभी ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए, ये चीज को समझो, ये चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटीन और पक्टिन डालते हैं। ये बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले हमारे भारत में कोई चाय नहीं थी, कोई नहीं चाय पीते थे, ये अंग्रेजों ने चाय लाए और देखो हमें कैसे गुलाम बनाया। ध्यान देकर सुनो, पहले ये अंग्रेजों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए बोले देखो एक कप जो चाय पिएगा ना वो खुद बनाते थे और पिलाते थे, बोले एक कप जो चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा, उस समय एक रुपया की बड़ा कीमत था, हमने तो बेहू बने, बोले एक रुपया और एक कप चाय, बोले लो फिर चाय दो। कुछ दिन बाद में बोले इधर सुना बात मत करो, बोले 50 पैसा मिलेगा, कम कर दिया, बोले लो 50 पैसा दो और चाय पियो। कुछ दिन बाद में बोले नहीं 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं 25 पैसा दो और चाय। कुछ दिन बाद में बोले देखो अभी पी पी कर कागज बन गया ना, जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है आप देखना शराब पीने का समय आए, अगर वो व्यक्ति शराब नहीं पिए बताओ तो आप लोग क्या होता है, बोलो क्या होता है उसको, जो शराब पीता है अगर शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिए उसको क्या होता है, क्या होता है जोर बोलो, बेचैनी सी होती ना। आप देखना जो चाय पीते हो, आप चाय पीने का समय आए और चाय मत पिया आपको क्या होता है, बोलो जोर से, सर दर्द करता है, क्यों, उसमें जहर है, उसमें निकोटीन और उसमें कफीन डाला हुआ, पैजन डाला हुआ है, इसलिए वो जहर, हम चाय नहीं पी रहे हम जहर पी रहे। कुछ दिन बाद बोले देखो जो चाय पिएगा ना 25 पैसा उल्टा दो, हम तो पी पी आदत बन गया, लो बोले 50 पैसा दो, बोले लो, बोले 1 रुपया दो, बोले लो, बोले 2 रुपया दो, बोले लो, बोले 5 रुपया दो, बोले लो, अभी कितना पैसा है बोलो, 10 रुपया। इतनी सी चाय
और तुम्हें ठग करके हमें ठग करके ये लोग अपना बिजनेस चला दिया और हम लोग को ठग लिया, हमने चाय नहीं जहर पी लिया। लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे अगर एक कप चाय पी लो ना, दोपहर तो जीता नहीं। बताओ इतनी से चाय से क्या पेट भरती है? बोलो पेट भरती है। तुमने चाय नहीं जहर तुमने पिए हो, वो जहर पी करके तुम्हारे पेट में जो भूख था खत्म हो गया। अरे भूख लग रही दूध खा पियो ना, दही खाओ ना, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, जो हेल्थ होगा। ये जहर पी करके आप अपना भूख को खत्म करो, शरीर को खत्म करो। इसलिए कोशिश करो चाय को छोड़ने के लिए। एक रामदेव बाबा का हर्बल टी आता है, गोकुल टी है, जो शरीर के लिए हेल्थ है उसको खाया करो, ठीक है ना। चाय नहीं जोर से बोलो, और बच्चों को नहीं पिलाना है। ऐसे नहीं खुद की आदत बिगाड़ दिया, अब बच्चों को भी आदत बिगाड़ना शुरू कर दो। इसलिए पीना नहीं और इसको नहीं पिलाना। इसलिए ये धर्म का दूसरा स्थान बताया, ये तपस्या है। इसलिए जो व्यक्ति नस्ली वस्तु ग्रहण करता है वो कभी तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या तो वही कर सकते हैं जिनका बुद्धि सही हो, सही दिमाग हो, तभी तो प्रभु का भजन करते। पागल शराब पी पा करके, गंजा पी पा करके अगर बेहोश होकर पड़े रहो भजन क्या करो, भजन उसमें नहीं बनने वाले। तीसरा नंबर है स्त्री, ध्यान देकर सुना। तीसरा नंबर पवित्रता। यदि पवित्रता कैसे नष्ट होता है, स्त्री स्त्रियों को ऊपर भी ये कली का निवास। बोले भैया कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास? बोले जो अवैध रूप में पकड़ शादी के जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो अच्छी बात है, पत्नी पत्नी शादी करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी पालन करो। बगैर शादी के जो बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड बनाते नहीं, शास्त्र इस चीज को एकदम मना किया। यहाँ पर पवित्रता नष्ट होती है। भागवत का पंचम स्कंध में बताया, जो व्यक्ति बगैर शादी के जो मिलते हैं मरने का बार बड़ा कठोर दंड है। जैसे आग का स्त्री बनाते हैं गर्म करके, उसको एकदम गर्म करते हैं और उसको मिलाते हैं उसको साथ। इसलिए संसार करो शादी करके, पति पत्नी मिल करके धर्म गुरु को साथ संसार करो, घर गृहस्थी करो। इसमें जो एक पत्नी को साथ में जो पुरुष रहता है उसको एक तरह का ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे भगवान राम ने श्री सीता जी को साथ में रहे। इसलिए मर्यादा को उन्होंने मर्यादा को उन्होंने स्थापन किया। जो चौथा नंबर है जीव हिंसा। बोले जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज और लहसुन, ये चीजें को नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है इधर तो कोई मांस मछली खाते नहीं खाते अंडा। इसलिए कोशिश करना अभी अभी धीरे धीरे ना ये सब चीज घर घुसना शुरू हो गया। नहीं, ये महाभारत की कथा है। जब महाभारत समाप्त हो गई, एक समय धृतराष्ट्र गांधारी कृष्ण के पास में गए। बोले कृष्ण ये बताओ मेरे को 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? एक बच्चा मरना माँ की छाती फट जाती है, लेकिन जिस माँ की 100-100 बेटे मरे होंगे आप समझो कितना कष्ट होगा माँ को। बोले क्यों हमें ये 100-100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? कृष्ण पूर्व जन्म की कथा सुना। बोले एक समय तुमने जंगल में भ्रमण करने के लिए गया था और बड़ी जोर से तेरे को भूख लगी, एक वृक्ष पर नीचे तुम बैठ गया, देखा उसी वृक्ष के ऊपर में चिड़िया की घोंसला जिसमें चिड़िया चेचा कर रही थी। तुमने वृक्ष के ऊपर में चढ़े और सचमुच से घोंसला थी चिड़िया को, और चिड़िया वहां अंडा दे करके रखे थे, और एक एक अंडा एक एक बच्चा है, तुमने 100 अंडा नहीं तुमने 100 तुमने बच्चों को खाया, इसलिए इसी दिवस में 100 बच्चों को तुम्हें मृत्यु देखनी पड़ी। इसलिए घर में ये अंडा पट्टा को नहीं घुसानी चाहिए, सब चीजें दूर रहनी चाहिए हैं। और एक चीज है प्याज लहसुन में नहीं खानी चाहिए। आप बोले तो भैया प्याज लहसुन में क्या दोष है? देखो अभी आप लोग कथा सुनोगे, इसकी दो कथा आती है। आप लोग अभी नवरात्रि आप लोग रख रहे थे, कौन कौन नवरात्रि रखे था? हाथ उठा जो इसमें हाथ नहीं उठा रहे, आप लोग सब नवरात्रि रखे रखे ना क्या? आप बताओ 9 दिन तक प्याज लहसुन खाए हो? नहीं खाए ना। क्यों नहीं खाए? और क्यों नहीं खाए? माता जी को पसंद नहीं, कभी नहीं खाए क्या? मैया को
नौ दिन के लिए प्यार रसम नहीं खा करके माँ को खुश रखो, उसको बाद में कहना माता है क्या तुम्हारी दिमाग ज्यादा चलती नहीं हम बैठी यहाँ पर। इसलिए कहते हैं नौ दिन तो क्या मैया को नौ दिन तक खुश रखनी चाहिए, फिर खा करके नाराज कर दो। देखो पुराण में इसकी दो कथा है, एक कथा है अभी अभी हम सुनोगे। जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकली, भगवान मोहिनी बोले तुम दो लाइन होकर बैठ जाओ, पहले देवता को बाद में दैत्य को पिला दो। इतने में चंद्र सूर्य को बीच में एक सौर भर नाम का दैत्य उन्होंने धोखे से अमृत दिया। चंद्र सूर्य ने इशारा किया प्रभु ये दैत्य है, धोखे से अमृत दिया। भगवान चक्र बुलाए और उन्होंने उसको गला काट दी। जब गला काटे जहाँ पर उसकी मांस गिरा वहीं पर प्याज की पौधा हुई, जहाँ पर वो हड्डी गिरा वहाँ पर लहसुन की पौधा हुई, जहाँ पर खून की बूंद गिरी वहाँ पर मसूर आ गई। ये एक कथा। दूसरी कथा आती है पहले संत लोग का आश्रम में गया पालते संत लोग, और वो माता हम कहते हैं, इसलिए गैया के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास। इसलिए अगर कोई गैया मर जाए ना, कोई गैया बूढ़ी हो जाए उसको मार भी नहीं देते, यज्ञ करते थे यज्ञ में उसको आहुति डालते थे। अभी कोई गैया बूढ़ी हो गई तो गैया को बलिदान दिया, सभी का हाथ में मांस दे दिया ये आहुति में डालने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति मांस देख करके खाने की इच्छा हो बोले सबके सामने खाएंगे इसे, अभी उसको रात होने में छिपा देता हूँ, उसने छिपा दिया, सबके सब आहुति डाले। जब उन्होंने मंत्र पढ़े गैया जवान बन गई थी, इतने मंत्र शक्ति ऋषियों के पास में थी, गैया को मरने नहीं देते थे। लेकिन देखा जहाँ की मांस उन्होंने छुपाया वहां पर भी घा बना हुआ, वो ऋषि त्रिकाल दृष्टा था, उसने ध्यान लगाया ये घा कैसे बना हुआ। ध्यान लगा कर देखा किसने मांस खाने का लोभ से छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दिया बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज हो। अब देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के प्याज भी लाल रंग, जहाँ पर हड्डी गाड़ दिया जिस सफेद रंग के वो लहसुन की पौधा वो भी हुई, जहाँ पर खून का बूंद गिरी वहीं पर मसूर डाल हुई। देखना मसूर डाल का जो आकृति है ना वो लाल रंग। पहले हमारी भारत में कोई व्यक्ति भी ये चीज नहीं खाते, कोई भी हिंदू क्यों, हर हिंदू घर में ठाकुर जी होते थे, लड्डू गोपाल राम नित्य नारायण होता था, हर घर में ठाकुर को भोग लगता था प्रसाद पाते थे। लेकिन धीरे 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 अंग्रेजियों ने धीरे 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 सब चीज के ले आए और उन लोगों ने हमें भ्रष्ट कर दिया। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे भूगोल लोग ने चीज को लाए, ये भूगोल लोग लाए हमें सब भूगोल बना दिया हमको खा कर। इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए। आप लोग बोलोगे भैया बगैर प्याज लहसुन का स्वाद नहीं आता, हाँ ये चीज को समझो। आप इतना दाल बगैर प्याज लहसुन के बनाना दाल की स्वाद है, बगैर प्याज लहसुन के कोई सब्जी बनाओ देखना उसमें एक अलग स्वाद है। लेकिन देखना उसमें जो प्याज लहसुन डाल देते हैं ना, ये प्याज लहसुन है ये दो गुंडे हैं, ये कौन है दो गुंडे आ गए, जैसे गुंडे आ गए तो सबको मार कर भगा देते हैं ना, जब प्याज लहसुन डालते हो ये दो गुंडे आकर के ब्रेक डाल भाग यहाँ से, सब्जी यहाँ से भागो और उसमें किसकी बदबू आ जाती है, उसमें प्याज लहसुन की बदबू आ जाती है। लेकिन वो बदबू को ना हमने स्वाद समझ लिया। आप कुछ दिन ये प्याज लहसुन को मत खाओ, कुछ दिन मत खाओ, आप देखना उसको बाद में जहाँ कटेगी ना आप बैठ भी नहीं सकते हो, वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, इतना बदबू मारती है। लेकिन हमने इसको खा 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 करके अपना स्वभाव को हमने बिगाड़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ प्याज कटे ना बैठ नहीं सकते, हमारा सर दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन उसको खा खा कर हम स्वभाव ही खराब कर दिया, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, बच्चों को भी खिलाओ, पति वजह से 9 दिन तक नहीं खाते थे, काम चलता था कि नहीं बोलो, काम चलता था कि नहीं चलता था ना, बढ़िया चलता था है। जैसे ठाकुर का यहाँ प्रसाद बचता है आप ठाकुर को भोग लगा कर खाओ देखना उसमें एक अलग स्वाद आएगा।
जैसे तुम्हारे घर में रोज खाना बनता है, रोज खाना बनती है प्याज लहसुन से, एक दिन बगैर प्याज लहसुन जिसमें कोई तिथि आती है ठाकुर को भोग लगता है, लेकिन उसी दिन खाना खाओगे ना उसका अलग स्वाद आता है कि नहीं? क्यों? उसी दिन ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी को भोग लगा। और एक चीज समझो, ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए, मेरे को जो भोग लगा कर खाता है उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण दुख देते। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालो फिर भोग नहीं लगेगा, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो ठाकुर जी को एक गिलास दूध पिला देते, घर में ठाकुर को पूजा होता है, बोले कैसे, बोले एक थोड़ी सी रात को थोड़ी दूध पिला देते, आप लोग 8-10 दिन ऐसे खा करके देखो तो ठाकुर जी को, बोले हम तो भोग लगा देते थोड़ी सी, जब बाता से पिता से भोग लगा दिया ऐसे खा कर खुद रह सकते हो? नहीं रह सकते। घर का मालिक कौन है? ठाकुर जी। घर का मालिक कौन है? ठाकुर जी। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वो तो ऐसे बैठा हुआ, लेकिन हम उनकी नौकर उनका सेवक है, लेकिन हम प्याज लहसुन डाल कर खा रहे ठाकुर जैसे बैठे थे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भूल जाते तो अहम पापा, जो लोग मेरे को भोग लगाए वगैरह खाते हैं वो हर ग्रास ग्रास में पाप भोजन करते हैं, और जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं अर्जुन वो अमृत भोजन करते हैं, घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। आप लोग ने सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुदामा जी का नाम सुने? बात है अब देखो ये सुदामा धनी कैसे बना और ये सुदामा दरिद्र क्यों बना, हम लोग टीवी में देखे होंगे। बोले जिस समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा ये कृष्ण को देख कर तो खाइए। लेकिन सुदामा ने क्या किया, आप टीवी में देखे होंगे, उसने भगवान से छुपा छुपा कर खाया। भगवान ने बोले मेरे हिस्सा को तुमने छुपा कर खाया ना, इसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए उसने इतने दरिद्र बना, इतने दुखी बना, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बोले क्यों? भगवान से छुपा कर खाया। लेकिन धनी का बना है, जब प्रभु को दर्शन के लिए गया, दो मोटी चिड़वा लेकर गया, ठाकुर जी एक मोटी खाए, ठाकुर जी दो मोटी खाए, जब तीसरी मोटी खाने के लिए जा रहा था रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं आपने दो मोटी चिड़वा खाया ना, उसको घर में राज महल बनी गई सोने की, उसकी पत्नी राज रानी बन गई, अगर आप तीसरे मोटी खाओगे ना मैं इसकी घर में दासी बन जाऊंगी। और सुदामा जब घर में आया सोने की महल रानी पत्नी रानी बनकर बैठ हुई, पहचान नहीं पा रहा था, बोले क्यों? ठाकुर को चिड़वा दिया, ठाकुर को पिलाया। अगर आप स्वयं देख लेना घर में ठाकुर को रोज भोग लगेगा ना, जिस घर में ठाकुर जी को रोज भोग लगेगा वो कभी दुखी दरिद्र नहीं होगा। क्यों? हर चीज ठाकुर को भोग में लग रहा है। और पैसा को हम लक्ष्मी कहते हैं, पैसा को क्या कहते हैं, ये चीज को अच्छी तरह समझो, पैसा को क्या कहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण की हो, बोलो ठीक से, ये चीज को समझो, लक्ष्मी नारायण का ना लक्ष्मी हमारी है, लक्ष्मी नारायण की, हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, जब वो ठाकुर को सेवा में लग जाए कृष्ण सेवा में, माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, फिर तो माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में चकाचक खूब माला है, खूब पैसा घर में आएगा। अगर लक्ष्मी को तुम भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, तुम भोग पर कर दिया होगा, लक्ष्मी बिगड़ जाएगी, फिर तो घर में बेचैन भी आएगी, लक्ष्मी दूर चली जाएगी। अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी की कृपा हो, घर में जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगाओ और प्याज लहसुन को त्याग करो, ठाकुर को प्रसाद खाओगे, देखना बच्चों के अंदर में पति के अंदर भक्ति श्रद्धा और क्रोध नहीं आएगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, घर में शांति सुख बनी रहेगी। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
देखो कल है ये भागवत कथा में सबसे बड़ा उत्सव है। कल श्री गिरिराज गोवर्धन की उत्सव मनाएंगे, परसों राधा रानी की जन्म करेंगे और लास्ट का जो दिन है भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह, भगवान की रासलीला और सुदामा कथा सुनेंगे। इसलिए कल श्री गिरिराज की कथा हम सुनेंगे और गिरिराज की पूजा करेंगे। और भागवत कथा में गिरिराज की पूजा है ना, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। गिरिराज की सेवा में जो एक अन्न की दाना केवल गिरिराज की सेवा में दे दिया, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी जो गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना लगा दे। इसलिए कल यहाँ पर श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ कुछ बना कर खिलाना, जैसे कढ़ी चावल हो, नहीं तो हलवा पूरी हो, नहीं तो जो पनीर शाही पनीर हो, जो बढ़िया जानते हो, जो बढ़िया से बढ़िया बनाते हो उसको लेकर के आना और वो प्रसाद ठाकुर को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद आप लोगों को मिल जाएगा। प्रसाद को आप लोग भी ले जाओगे, अगर कोई फल हो मिठाई हो बगैर प्याज लहसुन के अच्छे तरह से बढ़िया करके बना करके लाना। और जो गिरिराज को बताएगा सर्व अभिनीत प्रदाता, गिरिराज से जो कुछ मांगो गिरिराज सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। आप लोग कौन कौन गिरिराज गए हो, हाथ उठाओ तो। आप लोग कहते हैं गिरिराज गए हो, आप वहां देखना गिरिराज की जो शिला है ना, वो शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखोगे। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो शिला के ऊपर में जितने शिला रख दो ना, ठाकुर जी उतना मंजिल मकान दे देते हैं। हमारे बड़ों का एक भक्त है, एक बार हम उनको घर में कथा करने के लिए गए थे। एक साल पहले जब मैं गया था उनको साधारण घर था, हम दूसरे साल में गए तो उन्होंने बड़े सुंदर तीन मंजिली मकान बनाया। हमने कहा भैया तुम्हारी एक साल में तीन मंजिल मकान कैसे बन दिया, देखो उसने क्या कहा। बस उन्होंने बता मैंने गिरिराज में गया था, गिरिराज की परिक्रमा थी और गिरिराज के शिला के ऊपर तीन पत्थर मैंने शिला रखे आया और गिरिराज जी एक साल में मेरे को तीन मंजिल मेरे को गिरिराज ने मकान दे दिया। मतलब गिरिराज की इतनी महिमा। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी बांके बिहारी उसको पीछे 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 घूमते रहते हैं। ये मेरे कष्ट करके इतने परिक्रमा कर रहे क्या मांगा मेरे को। आप देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, क्यों? उसमें धागा बंधी हुई, क्यों? जिनकी बेटा की शादी नहीं होती है, जिनकी बेटी की शादी नहीं होती है, जिनकी काम धाम चलती नहीं। आप जाकर के देखो गिरिराज की परिक्रमा करो, गिरिराज की अभिषेक करो, गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सब कुछ इच्छाओं को जो पूरी करते हैं ये गिरिराज है। इतने महिमा क्यों? बल्कि विश्व ब्रह्मांड में सारा दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? गिरिराज। सारा दुनिया बांके बिहारी की पूजा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी पूजा किसको की? बल्कि गिरिराज गोवर्धन की भगवान कृष्ण पूजा किए। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन की कथा बहुत प्यारी प्यारी कथा, कल हम अच्छी तरह से गिरिराज की कथा सुनेंगे और आप लोग कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए लेकर के आना और गिरिराज की भोग लगेगी और श्री गिरिराज के अग्रपुट मनाएंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जयकार में आनंद नहीं आया, जो जितने जोर से जयकार लेगा ना गिरिराज इतना उसकी थोड़ी भर देगी, इतने जोर से छत जैसे उठ जाए। ठीक है, बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी लग रहा है जयकार में काम आए, हरे कृष्णा। हाँ देखो अभी भगवान बामन से कृष्ण आने वाले हैं। ये देवता दैत्य में अगर लड़ाई हो ना, लड़ाई में देवता मरे तो मर जाए, दैत्य मरे इनका गुरु शुक्राचार्य जिंदा कर दे। एक समय देवताओं ने गुरु जी श्री भगवान को पास में गए, बोले हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन पर अमृत निकल गए, अमृत पी करके अमर हो जाओगे। इसलिए जब समुद्र मंथन से अमृत निकली अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, इतने में दैत्यों ने छीन लिया। अभी ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य अमृत के लिए अमर बन जाएंगे तो दुनिया के लिए हानिकारक, भगवान वहीं ने अवतार लेते हैं।
बल्कि मोहिनी भगवान की और मोहिनी जी इतने सुंदरी थी जब मोहिनी को देखा ना धड़बन सब के सब मोहिनी को देख रहे थे बोले भैया भैया तुम डरे हो क्या बात ये सब पीले पीले तिलक लगाए थे कौन है दैत्य को बोले बोले ये हमारे भैया लगते हैं ये हमारे भैया लगते हैं बोले देखो मोहिनी अमृत पिए कर तेरे हाथ में बोले देखो मैं अनजान स्त्री को कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए बोले पिए कर तेरी हाथ में नहीं तो पिएगी बोले देखो बीच में गड़बड़ नहीं करना जो कुछ मैं करूँ बीच में बोलना नहीं बोले कुछ भी नहीं बोलूंगी बोले दो लाइन करके बैठ जाओ पहले तो देवता को पानी पानी पिला दूंगी और जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएंगे ना दोनों बैठ कर पिएंगे बोले मोहिनी भले ही हमें अमृत नहीं मिला अगर तू मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ये मोहिनी बने थे क्या सुंदर रूप क्या अद्भुत इनकी चाल तेरे से चिंता पर दैत्य तो पागल होकर देख रहे थे इतने में भगवान देवता को तो अमृत मिला रहे थे लेकिन दैत्य को तेरे से चिंता पर से देख रहे थे और मीठी मीठी कड़ी हंस रहे थे दैत्य का तो अमृत में ध्यान नहीं मोहिनी में ध्यान और भगवान अमृत पिलाते पिलाते जब सब पिला दिया और अमृत कलश को फेंके और ठाकुर जी अंतर था इतने में देवता लोग अमृत पी चुके थे दैत्य देवता में लड़ाई हुई जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना एक तरफ से दैत्य को काटना शुरू कर दिया देवताओं ने ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है दैत्य वंश समाप्त हो जाएगा ब्रह्मा जी आकर के रोके फिर उनके गुरु शुक्राचार्य आए संजीवनी मंत्र से सब जिंदा कर दिए फिर बलि महाराज ने यज्ञ किया उससे एक रथ मिला प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का प्रसादी माला दी फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य पर आक्रमण की और देवता को मार मार करके भगा दी और देवता आकर के मध्य जगत में मारे मारे भटक रहे हैं अरे देवता को जो माँ अतिथि कश्यप जी को बोले मेरे बेटे को स्वर्ग कैसे मिलेगा बोले तो बोले बारह देविका के पैर ब्रह है इसको करो ठाकुर जी वामन बन करके आएंगे तब भगवान श्री वामन बन करके आए बोले श्री वामन भगवान इसलिए भगवान श्री वामन रूप में भगवान आए उनको उपनयन संस्कार नियम है उसको बाद में गुरु जी को कुछ भिक्षा देनी चाहिए बोले गुरु जी बताओ अब क्या चाहिए बोले स्वर्ग राज्य मेरे को चाहिए बलि महाराज से लेकर के आओ जब उन्होंने बलि महाराज का दरबार पर पहुंचे बलि महाराज बोले जीवन मेरा धन्य हो गया है इतने सुंदर ब्राह्मण उनकी चरणा दिए चरणा मृत किया बोले आज मैं इतने दान देता पेट में झोली बसाने का जरूरत नहीं पहले आप संकल्प करो जब संकल्प करने जा रहे थे इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए बोले बलि सावधान बोले क्या बात है बोले जानते हो ये कौन है बोले कौन है बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना अमृत से वंचित कर दिया मोहिनी अभी मोहन बन करके आएगा देखो ये तीन पग जमीन में ही त्रिभुवन ले जाएगा बलि महाराज बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू लड्डू एक तो देवी फिर शेर के ऊपर बैठ करके आए एक तो स्वयं भगवान वो इच्छा करने पर ले सकते हैं लेकिन आज मेरे पास में ठाकुर जी भिक्षा लेने के लिए आए हैं मेरे जैसे कोई सौभाग्य होगा बोले मैं गुरु जी बोल रहा हूँ मत देना बोले नहीं उनको जरूर दूंगा बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ तू श्री भ्रष्ट हो जाओगी बोले जो कोई बात नहीं लेकिन भगवान को मैं दान दूंगा इधर सुना एक नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए अपराध पाप लेकिन यहाँ पर श्री बलि महाराज गुरु को त्याग दिया बोले क्यों देखो ध्यान देकर सुनो बोले गुरु जी को तीन जगह पर हम त्याग दे सकते हैं अगर गुरु जी कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में अगर नहीं हो वैष्णव संप्रदाय ऐसे नहीं अपने आप में एक प्रकट होकर के नए रास्ता चला दिया वैष्णव परंपरा होनी चाहिए दूसरी चीज है उनकी पतर नहीं होनी चाहिए असत संग में नहीं गिरनी चाहिए जैसे स्त्री सगी हो गए गलत रास्ता पर चले गए उनको त्याग देनी चाहिए और जो चौथा जो नंबर है अगर असदाचार हो जो शुद्ध जो भक्ति की नीति से अगर उल्टा चलने वाले हो अगर ये त्याग दे सकते हो इसमें त्याग देने में कोई दोष नहीं शास्त्र बताया अवैष्णव उपदेश मंत्रण निरव प्रजे अगर गुरु जी वैष्णव नहीं हो अगर उनसे मंत्र ग्रहण करते हो कहते निरय निरय मतलब नरक होता है क्या करनी चाहिए
विधि विधान पूर्वक हमें वैष्णव गुरु से दीक्षा मात्र लेनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण होता है। इसलिए उन्होंने गुरु जी को त्याग दिए। इतने में उन्होंने दो पद में भगवान, एक पद में तो भूर भुवम हो जनन तप सत्य लोक तक उन्होंने ले लिया। इतने में ब्रह्मा जी चरणों का अभिषेक करते हुए कमंडल रखे तो वही श्री पति बाबा ने श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा देवी की। दूसरे पद में अतल वितर कहा था पाताल लोक, बोले बताओ तीसरे पद कहाँ रखी। तब उन्होंने नाग पास बंधन में बांध दिए। इतने में पत्नी उनकी बड़ी विद्या बली, बड़ी धर्म बली। देखो ध्यान करके सुनो, कहते पत्नी दो तरह के होता है। पत्नी कहते एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। बोले धर्म पत्नी और धन पत्नी में क्या फर्क है। कहते धन पत्नी मतलब है अगर पति के पास में पैसा जब तक हो तब तक रहेंगे, पैसा नहीं तो छोड़े वाली। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं, पत्नी नहीं, पति की किसी अवस्था में भी। पत्नी मतलब क्या, पति को कभी घृण नहीं, हर समय पत्नी को धर्म की रास्ता में चलाए, धर्म की रास्ता में चलाए, कभी अधर्म का मार्ग नहीं दिखाए। इतने में उनकी पत्नी विद्यावली बड़ी धर्मवती, बड़ी पतिव्रता नारी, इतने में आ गई। बोले ठाकुर का आपने क्या किया, ये दुनिया किसका है, ठाकुर जी का। ठाकुर जी दुनिया, ठाकुर ठाकुर तो दुनिया को ले लिया। अरे जब तक खुद को खुद नहीं देते हो, थोड़ी ठाकुर का देना होता है। बोलो ना, अपना सर पर रखे, भगवान के सर पर प्यार रखे। इतने में बलि महाराज बोले ये बताओ, धन बढ़ना धन बढ़ाना धनी बड़ा। बोले धनी बड़ा, आप तो धन लिए, धनी अभी तो बाकी है ना, मैं स्वयं बाकी हूँ। प्रभु आपका चरण मेरे सर पर रखो। भगवान तीसरे चरण बलि महाराज का सर पर रखे, सारे देवता लोग देखकर धन्य धन्य हो रहे थे। बोले जिस चरण को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहिए निरंतर ध्याने, लेकिन आज वो दुर्लभ चरण कहाँ पर, श्री बलि महाराज के सर के ऊपर भी। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और उन्होंने श्री बलि महाराज की जयकार लगाए। बोले श्री बलि महाराज की, श्री पावन भगवान की। अभी भगवान बामन आ रहे हैं। नियम है भगवान को जो भिक्षा देनी चाहिए, जैसे सुदामा ने दो बुने चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी भगवान को भिक्षा देना। सुमी इस गलत माला पहना दो। भगवान भगवान की जय, जय तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते भगवान भगत हरे।
जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म मर्यादा पहुंचता हूँ।
बोले शिष्या भगवान चंद्र की बोले सुचंद्र वंश में कौन आए बोले श्री कृष्ण कन्हैया श्री बांके बिहारी बोले श्री बांके बिहारी लाल की जब श्री सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा बोलने जा रहे उन्होंने क्या किया एक श्लोक में पूरी भागवत सुनाई कैसे कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए फिर गोकुल में गए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया आप लोग सब मेरे तरफ में तो गुजर मत करना इसे जय कन्हैया लाल की फिर कैसे प्रभु गए कहा गोकुल में पहले पुतना कुमार फिर सकटासुर को फिर त्रिनावर्त को फिर अघासुर फिर बकासुर फिर काली सर पर नृत्य की है फिर कृष्ण सत करोड़ों गोपियों के साथ में प्रभु ने रास बचाया फिर कृष्ण मथुरा में जाकर कंस को बंद किया कंस को बंद करके फिर उन्होंने क्या किया द्वारका में गए 16,108 पटरानियों से प्रभु शादी की हर पत्नी से 10-10 बेटे एक बेटी हुई ऋषियों से उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया और उन्होंने प्रभास क्षेत्र में अंतिम लीला को समाप्त कर दी और अपना धाम में चले गए इतना बोल करके उन्होंने बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की के लाला इतना बोल करके चुप हो गए वैकित महाराज बोले क्या हो गया बोले पूरी बोल दिया ना कृष्ण कथा में सुना दिया बोले मैं चार चार दिन से बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए क्यों कृष्ण मेरे कुल देवता जब मैं माँ की गर्भ में था ये अस्वस्थ माने मेरे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया इतने मेरे माँ जब कृष्ण शरण में गई कृष्ण चक्र गदा घुमा घुमा करके कृष्ण ये अस्त्र को निस्तेज करके मेरे को रक्षा की मैं तो इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए और आप जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में पूरा के पूरा उन्होंने समुद्र को पार कर ली आप तो एक श्लोक में कोई कथा कृष्ण कथा सुना दी इसलिए अभी तो मेरे को आनंद नहीं मिला इसलिए आप विस्तृत करके हमें आपकी कृष्ण कथा सुनाओ तब श्री सुखदेव गोस्वामी 3 दिन तक पर कृष्ण कथा सुनाए बोले जो कृष्ण कथा है वो बड़ा मीठा है कृष्ण कथा बड़ा मीठा है इसलिए श्री बल्लभाचार्य ने एक अष्टक लिखा है जिसका नाम मधुराष्टक जिसका नाम कौन सा अष्टक है मधुराष्टक भगवान की सब चीज को उन्होंने आप लोग रसगुल्ला खाए हो कौन कौन रसगुल्ला खाए हो आप इधर भावना उधर मिठाई है इसलिए जो कृष्ण है जिनको वेद कहता है रस वैस रसम जवाया लब्धा नंद भवती कृष्ण कौन है वो रस स्वरूप है अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चक्र जिधर कृष्ण कथा सुनो उधर लिखा इसलिए उन्होंने एक मधुरा अष्टक लिखा देखो वो क्या लिखते हैं बोले आधर मधुर वदन मधुर हासित मधुर जो आत्मा में रमण करने वाले जैसे सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे शंकर जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी जब कृष्ण कथा सुनते हैं ना
सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। बोले तीन गंगाएं, कितने गंगाएं? आप लोग तो उसमें एक ही गंगा, लेकिन यहाँ कितना गंगा है बता सकते हो? तीन गंगा क्या? सुन लो, कल मैं पूछूंगा, आज मैं बता रहा हूँ, कल पूछूंगा। कहते एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम नंदाकिनी, दूसरी गंगा इसी मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, भागीरथ गंगा। एक गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा, ये तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण कथा में तीन लोगों को पवित्र करते हैं। बोले किसको किसको? बोले कथा जो बोलते हैं, कथा जो सुनते हैं और कथा जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों को पवित्र करने वाले। बोले अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते संसार से, बोले सबसे मीठा दबा किया, बोले भगवान की कथा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर बैठो, कथा सुनते सुनते सीधा ठाकुर के पास में चले जाओ। सचमुच से जब कथा विश्राम हो गई, बोलो तो वृंदावन से भी सुंदर रथ आया। परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी रूप धारण करते हुए बैठे और सीधा उन्हें गोलोक वृंदावन चले गए। इसलिए जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, कथा सुन रहे नहीं, जब कथा की विश्राम हो जाएगी ना, आप सभी के लिए एक रथ आएगी, बैठक से गोलोक वृंदावन से रथ आएगी। आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा हाथ का? आप लोग ना सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे। सचमुच से रथ आ गई ना, यहाँ एक लोग भी देखने को नहीं मिलेगा, सब बात है। बोले भैया बेटी की शादी नहीं हुआ, बेटा पढ़ रहा है, पति को कौन रोटी खिलाएगा, हैं? इसलिए ना सबके सभी आज भाग जाएंगे। बोले हमें हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें गोलोक वृंदावन नहीं जाना, हमें नहीं रहना। इसलिए कहते भगवान जो कथा है, संसार से पार होने का सबसे मीठी दवा भगवान की कथा है। जिस समय कंस ने जन्म लिया, ये बड़ा उत्पादी बना। कंस का पिताजी का नाम उग्रस है और उनकी पत्नी का नाम थी पद्मा। अभी प्रश्न है, उग्रस है कृष्ण का बड़ा भगत है, कृष्ण का बड़ा भगत है, लेकिन उसका बेटा ये दुष्ट कैसे बना? ध्यान देकर सुना। इसलिए उनकी पत्नी का नाम थी पद्मा। जब पद्मा ने शादी करके घर में आई, देखना स्त्रियां उस दिन बात अपना पीहर जाती है। अभी वो अपना पीहर गई थी, एक दिन सुंदर एक बगीचा में बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए भ्रमण कर रही। एक दुर्बल नाम दैत्य था, वो आकाश मार्ग में जा रहा था और उसने पद्मा बड़ी सुंदर थी, अभी अभी नई नई शादी हुई और बड़ी सुंदर श्रृंगार के अंदर घूम रही थी। इतने में वो दैत्य ने क्या किया, एकदम उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और झट वहां पर आ गया। पद्मा बोली आप कैसे यहाँ पर आ गए? बोले मैं रास्ता में जा रहा था और तेरे को मैं अकेला देख करके आ गया और उसने छुप करके बगीचा में पद्मा को साथ में दैत्य मिला। लेकिन जब दैत्य चला गया, हर पत्नियों को पति के हाव भाव पता चलता है। जब वो चला गया, पद्मा को लगा ये तो मेरे पति जैसे नहीं लग रहे, ये तो लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति। इतने में उसकी गर्भ में बच्चा आ गया और उसने ये बात किसको बोली नहीं, जल्दी जल्दी अपना ससुर घर में आ गई, किसी को ये बात नहीं बताई। अब उसी दैत्य की औरत से कंस जन्म लिया। इतनी उत्पाती, इतनी उत्पाती, पिताजी को बंदीशाला में डाल दिया। पिताजी को बंदीशाला में डाल दिया, बोले मेरे देश में कोई कीर्तन कर नहीं सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, भगवान के नाम नहीं कर सकते, जो करेगा उसको जेल में मैं बंद कर दूंगा। और अपना पिताजी को जेल में डाल दी। अभी पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, पृथ्वी दुखी होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में, शंकर जी के पास में, इंद्र के पास में, ये सब के सब क्षीर समुद्र के पास में गए और भगवान को पुरुष सुप्त मंत्र से भगवान को उन्होंने स्तुति की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम लोग का प्रार्थना में समझ गया हूँ, सबके सब तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देवियां तुम सबके सब गोकुल में गोपी होकर के जन्म लो, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। अब तंसर ने देखो तुम शादी करके बहुत कुछ दहेज रूप में दिया, स्वयं सारथी बनकर के विदाई दे रहा था, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवत का तुम इतने आनंद पूर्वक सारथी बनकर के विदाई दे रहे हो,
उसकी अष्टम गर्भ का संतान करे काल निका। कंस ने देखा ये देवता का वाणी कभी छूटी नहीं हो सकती, इसलिए नारे का बांस रगजगी बांसुरी, केश को पकड़े मैदान से तलवार निकाला मारने के लिए जा रहा था। वसुदेव ने देखा ये देवता वाणी कभी छूटी नहीं हुई थी, किसी तरह से देवत को मेरे पर हत्या करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद निधि से समझाने की कोशिश की, कंस समझा नहीं। लास्ट में कहा देखो तेरे को पता भी कभी झूठ नहीं बोलता मैंने, हाँ बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे को तेरे को दे दूंगा, सब बच्चे को मार डालना, लेकिन देवत को तुम मत मारो, ठाकुर को इच्छा है। कंस ने छोड़ दिया, उसका पहला बेटा जब कंस को दिया उसका हृदय तो एकदम पिघल गया, बोला अपना बेटे को काल को हाथ में मैं प्रसन्न होते बेटे को ले जा, ये क्या करेगा अष्टम गर्भ का बेटा दे देना। नारद जी ने देखा भैया भगवान तब आएंगे जब पाप ही खराब है, लेकिन इसकी हृदय में तैयारी भाव उमड़ रहा है, पर भगवान आने में देर करते थे। इतने में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय जितने जदुवंश कोई नहीं देवता है, जितने गोपियां और कोई नहीं देवियां ऐसा मानने के लिए आए, अब तुमने पहला बेटे को छोड़ दिए। तो उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें आठ बकुलियां हो, बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोले उल्टा से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हो, बोले इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये देवता को समझना बड़ा कठिन, इसने बोला ना अष्टम गर्भ का संतान, तू तो इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो, पर जिसको एक करने वो आठ हो जाएगा, आठ एक हो जाएगा, और जब ये जन्म लेकर के बड़े होएंगे भी नहीं, बोले हाँ सब मिल करके तेरे को मारेंगी। बोले फिर गुरु जी सबको मैं मार दूँ, बोले भैया मैं क्यों बोलूँ, तू जानता तेरे बाप जानता, बताया और भागते वहां से नार दे। इतने में कंस और छह छह बच्चे को मार दिए, बोले भैया ये छह बच्चे कौन है, बोले ये काम, ध्यान देकर सुनो, काम क्रोध लोभ मोह मन और मात्सर्य, अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो सबसे पहले छह बच्चे को मारो, छह बच्चे को पहले मारो, कि कंस कि भय, हम भक्ति क्यों करते हैं भय से, अगर भजन नहीं करके तो 84 लाख जन्म में भटकना पड़ेगा, इसलिए पहले छह बच्चे को मरो। बोले सप्तम गर्भ में, बोले बलदेव प्रभु आए, बोले ये कौन, बोले धाम स्वरूप भगवान को धारण करने वाले, बोले अष्टम गर्भ में, बोले कृष्ण का नहीं है, कौन आए भगवान कृष्ण। एक बात को समझो, अभी यहाँ प्रश्न है कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए, आज मैं बताऊंगा कल आपसे सुनूंगा, एक कारण तो सुन लिया, अभी सही कारण को सुनो, मैं देखूंगा कल जो मेरे को बोलेगा ना उसको लिखना पड़ूंगा, भगवान ये अष्टम गर्भ में क्यों आए, कौन बोलेगा हाथ उठाओ तो सुनकर कौन याद रखेगा, आते तो सुन लो, जैसे क्लास हुआ 2, 3, 4, 5 है, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी करते हैं, ये भक्ति जगत में भी आठ स्टेजेस आठ सोपान सीढ़ी है, ये जो अष्टम जो सीढ़ी है ये प्रेम, और इसका पहला सीढ़ी किया बोले श्रद्धा, जैसे आप लोगों को अंदर में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आकर बैठे, पता सुन रहे हो, अगर श्रद्धा नहीं होता तो यहाँ आते ही, श्रद्धा है आए, ये पहला स्टेज है। जब दूसरा नंबर बोले साधु संगत, कथा सुनने के लिए जब आए बोले सत्संग में, सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो,
बोले तीसरा स्टेज बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब जब साधु संघ में हम आए, भागवत कथा सुने, हमें क्या पता चला ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं, ये देवताओं के लिए भी मानव शरीर, और कहां पर? बोले भारत में। बोले भारत में नहीं, हिंदू घर में। बोले हिंदू घर में नहीं, फिर बागपत में। कहां पर? बागपत में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य चाहिए, बड़ी सौभाग्यवान व्यक्तियों को। जब ये पता चला कि मानव शरीर दुर्लभ है, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा है, ये 84 लाख जन्म में भटकते भटकते ये मुक्ति की दरवाजा पर आए। बोले क्यों? बोले इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लाख योनि से हम निकल करके प्रभु के पास में जा सकते हैं, और किसी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होगा। जब ये बात पता चलेगा फिर क्या करेंगे? फिर भजन किया, फिर भगवान को भजन करना शुरू करेंगे। जब भक्ति करके बोले 14 स्टेज, बोले अनर्थ निवृत्ति। बोले अनर्थ निवृत्ति मतलब क्या? जितना परिमाण से भक्ति करेंगे उतना परिमाण से हृदय से ये अनर्थ, अनर्थ मतलब जो अर्थ नहीं, जो अज्ञान अंधकार, जो पाप काम क्रोध लोभ असत तृष्णा हृदय द्रोपल अपराध, ये सबसे सब खत्म होगा। जब खत्म होगा उसको बाद में फिर आएगी रुचि। क्या आएगी? रुचि। बोले रुचि का मतलब क्या? ध्यान देकर सुना। रुचि का मतलब होता है जैसे घर में कोई बढ़िया सब्जी बना, बहुत बढ़िया सब्जी, एक बार खाए बढ़िया लगा, बोले भैया और थोड़ी दो, और एक बार बोले और थोड़ी दो, इसको कहते रुचि। तो बढ़िया चीज। अभी हमें भगवान भजन में रुचि आएगा, जब भक्ति करेंगे हृदय से काम क्रोध जाएगा ना, तभी हृदय में प्रभु का भक्ति हमारी रुचि आएगी, अच्छी लगेगी। लेकिन अभी देखो, अगर किसको बोले भैया थोड़ा भगवान की माला जप करो हरिनाम करो, रुचि नहीं। लेकिन टीवी में कोई सीरियल आ रहा है ना, देखो तीन घंटा बैठ ले, तीन घंटा बैठ ले सीरियल, क्या झूठा चीज, झूठी है, कोई झूठी चीज को 3-3 घंटा तो देख लेगी। बोले भैया 10 मिनट लगता है माला जप करो, मन ही नहीं लेगी। बोले क्यों? बोले पाप है। क्यों? ये पाप है, हमारी पाप है। लेकिन फिर करनी क्या चाहिए? तब एक उदाहरण दिया, ये चीज को समझो। आप लोगों ने मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए हाथों का? सबके सब खाए। आप बताओ तो मिश्री खाने में ये कौड़ी लगती ना, मीठी लगती है? मीठी लगती है। लेकिन किसी किसी को ये मिश्री कौड़ी भी लगती है। आप बता सकते हो मिश्री किसको कौड़ी लगती है? कौन बोले हाथों का? मिश्री मीठा है, लेकिन किसको मिश्री मीठा नहीं कौड़ी लगती है? किसको लगता है? कौन बोले हाथों का? बता नहीं सकते। देखो जिसको जल्दी का बीमारी हो जाए ना, पीलिया बीमारी हो जाए, देखना वो जो कुछ खाएगा उसको कौड़ी लगेगी, मीठा नहीं लगेगा। क्यों? उसको पीलिया और जल्दी का बीमारी हुई, इसलिए पहले ना कोई दवा नहीं होता था, डॉक्टर लोग बोलते तो भैया मिश्री चूसा कर, लेकिन मिश्री तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, मिश्री तो मीठा है, लेकिन तुमको अभी जल्दी से अभी पीलिया की बीमारी, लेकिन तुमको कौड़ी लगेगी, इसलिए छोड़ना नहीं, चूसते रहना। लेकिन चुस्ते 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 जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, फिर मिश्री तुम्हें मीठा लगने लग जाएगी। और मिश्री जब मीठा लगने लगी जाए, क्या समझो? तुम्हारी बीमारी सही, तुम्हारी बीमारी सही हो गई। उसी तरह भगवान का नाम मिठी, इससे मीठा दुनिया में नहीं, लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगता। क्यों? हमारी पाप है, हमारी पाप है। फिर क्या करनी चाहिए? इच्छा नहीं रहने पर भी क्या करो? माला लेकर के बैठो और भगवान की नाम जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब धीरे धीरे ठाकुर का नाम जप करेंगे, हमारे सारे पाप जितने खत्म हो जाएंगे, जितने पाप खत्म हो जाएंगे, ठाकुर का नाम इतने अच्छे लगने लग जाएगा। इसलिए उसको रुचि। कभी जो छठवा स्टेज है, कभी ये निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या? ध्यान देकर सुना। निष्ठा मतलब होता है भक्ति इतनी अच्छी लगी, जैसे मीरा, मीरा जब भजन कर रहे थे देखना उसका सांस विरोध हो गई, ननंद विरोध में चली गई, पति चेट देकर सब उसका विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ा, मीरा ने भजन छोड़ी, दुनिया को छोड़ दी,
लेकिन भगवान की भजन उसने नहीं छोड़ी। और एक दिन किसका नाम हो रहा है जगत में, किसका जय जयकार हो रहे हैं, विराज की जय जयकार हो रही है। इसलिए कभी भी भजन नहीं छोड़नी, इसलिए निष्ठा उसको बात करते तो आसक्ति है, ये आसक्ति इतने आसक्ति हो जाता है फिर तो दुनिया छूटे प्रभु नहीं छूटते। उसके बाद भावावस्था है, मतलब भावावस्था में क्या होता है, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी कभी ठाकुर जी के चरण की नुपुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी कभी ठाकुर जी की भगवान इतने सुंदर है जिस आप चकाचौंध हो जाता है। कभी कभी उसको यही से लगता है ठाकुर जी मेरे पास बंसर करने गए, उनको रोंगट खड़े हो जाती है। कभी कभी उसको यही से लगता है ठाकुर जी हमें अपना आधार रूप में पूजा कर गए। और जो प्रेम जो अष्टम स्टेज में कृष्ण आए फिर तो अष्टम स्टेज में साक्षात बांके बिहारी सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, सारे देवता लोग गर्भ शुद्धि कर रहे हैं और सारा दुनिया में जयजयकार हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर मोदी आ जाए ना, देखना उनके लिए कितने स्वागत होता है। साधारण एक प्राइम मिनिस्टर और जहाँ पर विश्व ब्रह्मांड के तारनहार अनंत बड़ी ब्रह्मांड के कृष्ण आ रहे हैं, उनके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। सारे 33 करोड़ देवता आकर स्तुति कर रहे हैं और सारे फूल खिल गए, सारे पेड़ में फल आ गए, तो ये पृथ्वी दुल्हनी जैसे सज गई, यमुना नदी कलकल कलकल नाद से बह रही है और भगवान की जय जयकार करते हुए प्रसिद्ध यमुना महारानी की। यमुना क्यों खुश हो रही थी, बोले भगवान फिर का अपना सखी पटराने लगाएंगे और जितने गंगा सरस्वती और जितने नदियां ये भी खुश हो रहे थे। बोले क्यों, बोले जो यमुना है ये सबसे बढ़िया बहनी है और जितने गंगा और जितने नदियां इनकी छोटी बहनी है। अभी दूसरे दूसरे नदी क्यों खुश हो रहे थे, बोले कृष्ण की शादी यमुना से होगी और हम क्या लगेंगे छोटी बहन क्या होगी साली। आप देखना दामाद कभी कभी पत्नी सभी सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसी वजह से वाक्य भी आएंगे प्रेम करेंगे इसलिए खुश हो रहे थे। ये कमल फूल खिलता है दिन में, ये सूर्य किरण में, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों, बोले संत लोग जब भगवान की तुलना देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, उदाहरण क्या देंगे, बोले भगवान के नेत्र कैसे, बोले नेत्र कमल, मुख कमल, नाभि कमल, हस्त कमल, चरण कमल, ये कमल कमल के साथ उदाहरण देंगे। इसलिए रात में कमल फूल खिल गया और जिस समय कृष्ण आने वाले उसी समय में आकाश में जब कृष्ण आए उसी समय में कौन सा तिथि था बता सकते हो, अष्टमी भादो की महीना बुधवार था। भगवान आ रहे हैं और चंद्र वंश में आ रहे हैं, इसलिए अष्टम रात में ना चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गए अष्टम रात में। और जब जब पूर्ण रूप में प्रकट हुए अभी उसी समय आकाश मेघ में छाया हुआ था, देखना मेघ नीचे चंद्रमा ऊपर रहता है, अभी चंद्रमा और मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले ए मेघ मेरे सामने हट जा, मेघ बोला भैया मैं क्यों हटूं, बोले चंद्रमा ने कहा तेरे को पता नहीं आज कृष्ण मेरे वंश में आ रहे हैं, मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं कृष्ण भगवान आज मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं, बोले तेरे रंग को लेकर लेकिन किसकी वंश में आएंगे, आज मेरे वंश में लड़ाई शुरू हो गई। देवता ने कहा भैया ये लड़ने का समय नहीं है, तो आनंद लेने का समय, तू भी थोड़ा हट जाए, चंद्रमा को भी खुश होने दो और तुम भी खुश हो, सबसे से वो आनंद करो। जब आकाश में मेघ छा जाए विशेष करके चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, कौन कौन प्रसन्न होते हैं, कितने लोग खुश खुश होते, चार। आज मैं बताऊंगा कल आपको उससे सुनूंगा, देखो भगवान मेरे को बताएगा चार व्यक्ति कौन कौन खुश होता है। पहला व्यक्ति किसान, बोले किसान क्यों खुश होता है, बोले किसान खेत में बीज बोता है, अगर आकाश में मेघ नहीं होगा तो क्या होगा सारे खत्म। बोले किसान कौन, बोले ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि की, लेकिन बड़े बड़े दैत्य राक्षस आकर के बड़े उत्पात मचा रहे हैं, ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे लेकिन जब देखा कृष्ण रूप मेघ आकाश में छा गए प्रसन्न हो गए। बोले क्यों, बोले परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मा संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आकर क्या करेंगे,
सारे दुष्टों को विनाश करके संतों को पालन करेंगे। पहला व्यक्ति कल सुनगा सुन रहे कि नहीं, मैं कल पूछूंगा। कौन खुश होते हैं पहले? किसान। कौन है यहाँ पर? ब्रह्मा जी। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले चाकर। एक चक्कर आएगी चिड़िया, वो किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता, वो किसका कौन सा पानी? जब बारिश ही होना तभी वो पानी पीता है, नहीं तो पानी नहीं पीता है। इसलिए हर समय बोलता है प्यासा प्यासा है। भैया ये चाहता हो कौन है? बोले नारद। नारद आदि भक्त वृंद कब ठाकुर को खाएंगे, कब ठाकुर लीला करेंगे? हम दर्शन करेंगे तो ठाकुर को लीला, दुनिया की लीला को हम दर्शन नहीं करेंगे। ये दूसरा व्यक्ति। बोले तीसरा व्यक्ति कौन? बोले मोर। आप लोग मोर देखे हो? मोर को मोर देखे हो? ये मोर कब नृत्य करता है? जब आकाश में मेघ छा जाए, शब्द हो, अरिंची में बारिश ही होना, तभी मोर पंख में बोल करके नृत्य करता है। भैया क्या मोर कौन? बोले बाबा नीलकंठ। नीलकंठ। बोले क्यों? कल हम सुनेंगे कैसे शंकर भी प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। और चौथा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले दावा नल में दग्ध हाथी। अगर किसी जंगल में आग लग जाए ना, हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हैं? वो इधर उधर भागता है, लेकिन आग का जंगल का आग नहीं पूछती है। कब पूछेगी? जब आकाश में बारिश हो, घमा समान बारिश ही होना, तभी जाकर के जंगल का आग पूछती है। बल्कि यहाँ पर कौन है? बल्कि इंद्र चंद्र जितने देवता लोग हैं, देखा भगवान कृष्ण आ रहे हैं और जय जयकार हो रहे हैं। और इतने में भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करते हैं। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण। भैया देव की वस्त्र ले आओ। बलराम प्रभु जी उनको ले आओ। हाँ देखो सारे देवता स्वागत कर रहे हैं, हम भी ठाकुर जी को स्वागत करेंगे। भैया आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीला। पीली रंग के। कल कौन सा रंग के पहन करके आओगे? नीली रंग के। ठीक है, नीला रंग के। और जो परसों है ना राधा रानी जन्म लेंगे, उस दिन गुलाबी रंग के। और जो लास्ट का दिन है भैया लाल रंग के। जैसे शादी में जाते हो ना, लास्ट का दिन बाकी हुई क्या शादी है। और शादी में जैसे सरघट करके जाते हो, अभी चार दिन तक सरघट करके आए, अभी चार दिन का उत्सव मनाएंगे। ठीक है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। यहाँ से बीच में रास्ता कर दो, भगवान आएंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। Oh,
यहाँ स्वयं भगवान जो जगत के मालिक है उनके लिए कोई ताली नहीं बजा रही। देखिए हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं कि इस जन्म में जो कीर्तन में ताली नहीं बजा रहे अगले जन्म में हाथ नहीं होंगे टोटो वो आज इस जन्म में जो पहुंचे भगवान को नाम नए अगले जन्म में कहा बने दो बोले गो गो। इसीलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाए हाथ उठाकर ताली बजा कर गाएंगे स्वागतम स्वागत I'm
बीच में जो है कोई नहीं नाच रहा है, खाली सामने सामने कुछ लोग नाच रहे हैं। सर इस भजन में सभी लोग नाच रहे हैं क्या? ओ जियो सनातन, ओ जियो घर आनंद भयो।
अपना सोने के चेन को देखो ठीक से, नहीं तो पहचान से हो जल्दी जाओगे।
जापना कोई काम की कोई कुंडल यहाँ पर प्रभु जी यहाँ जाओ कोई नहीं बच गया तो फिर नामना करने के लिए हाँ आरती लगा आरती फिर नामना प्रभु यहाँ पर कितना नहीं ऐसा नहीं करा नामना समझ लो आरती बात कृष्ण की है आरती बात कृष्ण की है अपना जन्म जो एक बार नाचेगा 84 नृत्य नाचना बंद हो जाएगा।
मेरे साथ में बोलो बोले हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Love.